जीरो 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 जीरो, ये आपके पास आंसर है। ठीक है, तो ये आप इतने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, व्यूअर्स आई होप यू आर ऑल वेल। व्यूअर्स, दिस इज मोहम्मद फिजान एंड द टॉपिक इज एस्टिमेट योर एज इन सेकंड्स, कैलकुलेट द एज इन सेकंड्स, अपनी एज को मालूम करें सेकंड्स के अंदर। वो कैसे, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सबसे पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब फॉर मोर ऐसी वीडियोस के लिए, मैथमेटिक्स की ट्रिक्स के लिए, मैथमेटिक्स के सिलेबस के लिए। और जैसे भी आप लोगों की प्रॉब्लम होंगी न्यूमेरिकल वगैरह, सारे हम लोग आज अभी इस चैनल पे आप लोगों को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो फर्स्ट आपने चैनल इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, और अब आते हैं हम लोग टॉपिक की तरफ, एस्टिमेट योर एज इन सेकेंड्स, अपनी एज को कैसे हम लोग सेकेंड के अंदर मालूम कर सकते हैं। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, आज की वीडियो में हम लोग इसको सीखेंगे। चाहे आपकी एज 15 है, 60 है, 70 है, 80 है, जितनी मर्जी आपकी एज है, हम लोग उसको सेकंड के अंदर मालूम करेंगे। बस शर्त एक है कि आपके पास होना चाहिए कैलकुलेटर, क्योंकि वैल्यू हुआ है इतनी लेंथी तो मल्टीप्लाई करते करते क्या हो जाएगा, टाइम लगेगा। तो मेरे पास इस टाइम फोन मौजूद है जिसके ऊपर मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा, कैलकुलेटर मैंने ओपन कर लिया। आप लोगों के पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर उठा ले, या आपके पास अगर मोबाइल फोन है तो उसको उठा ले। अब आते हैं एस्टिमेट योर एज की तरफ। मैं फॉर एग्जाम्पल आपकी एज पिक कर लेता हूँ, छोटी सी एज उठाता हूँ, क्योंकि फिर हमारे पास चले दो एग्जाम्पल उठा लेंगे, एक 15 एज की उठा लेते हैं, इससे भी बड़ी की उठा लेते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपकी एज कितनी है, योर एज एज इज इन 15, आपकी एज क्या है 15 है। अब 15 एज को हम लोग सेकंड के अंदर कैसे तब्दील करेंगे ये देखना है हम लोगों ने। एज इज 16, अब आप लोग कितने साल के हैं, 15 साल। ठीक है, मैं ईयर लिख देता हूँ 15 ईयर। ठीक है, 15 ईयर, अब 15 ईयर है ना, 15 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, ओ सॉरी 15 मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर। ठीक है, अब 1 क्या चीज है आपके पास, 15 एज है, 1 ईयर है, आप साल के हैं ना, कितने साल के, 15 साल के। तो हिंट में आप लोग ये बात लिखेंगे कि 1 ईयर इक्वल्स टू 365 डेज, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ये स्टेप वन के लिए, इसको ये स्टेप वन हो गया। ठीक है, दिस इज अ स्टेप वन। अब यहां पे आ गया क्या जी, 15 मल्टीप्लाई बाय 365, तो आंसर क्या आएगा, पिक अप द कैलकुलेटर एंड कैलकुलेट योर आंसर, 15 मल्टीप्लाई बाय 365, तो आप लोग आंसर को देखेंगे क्या आएगा, 5475, ये आ गया आपके पास स्टेप वन का आंसर, 5 4। अभी आप 5 4 7 5 डेज के हैं, कितने डेज के हैं, 5 4 7 5 डेज के हैं। अब एक डे में कितने हॉर्स होते हैं, वन डे में कितने, आपके पास एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो ये बात आप लोगों ने इधर पहले लिख लेने थे कि 5 4 7 5 डेज हैं, और डेज के अंदर क्या होते हैं, हॉर्स होते हैं, तो कितने हॉर्स होते हैं, 24 हॉर्स। ठीक है, तो ये चीज, ये स्टेप टू हो गया आपके पास। आप हिंट भी लिख सकते हैं कि 24 हावर्स, अब नहीं ये लिख देंगे कि वन डे इक्वल्स टू 24 हावर। ठीक है, ये आ गया आपके पास हिंट। तो यहां तक आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था। ठीक है, 15 को मल्टीप्लाई किए 365 के साथ, तो ये आंसर आ गया 5 4 7 5 डेज, आप इतने डेज के। अब 5 4 7 5 डेज को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 24, तो जो आंसर आया उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें हम लोग, कर लेते हैं। देखिए मैं यहाँ आपके सामने करूंगा 5 4 7 5 मल्टीप्लाई बाय 24, तो क्या आ गया, 5 4 7 5 मल्टीप्लाई बाय 24, 131400। ठीक है, तो हमारे पास ये जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 131400। ठीक है, ये चीज आ गई, तो ये आपके पास क्या आ गया, हॉवर्स आ गए, आप इतने हावर्स के, अगर आप 15 ईयर के हैं तब अपनी एज को साथ साथ एस्टिमेट करते रहें, अगर आप 16 के तो फिर ये वैल्यू चेंज आती रहेंगी। ठीक है, कैलकुलेटर का आप लोग यूज कर सकते हैं, तो आप इतने हावर्स के हैं। ठीक है, अब हावर, वन हावर में एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, अब आप मिनट की तरफ आए। ठीक है, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें किसको, वन मिनट को। ठीक है, वन मिनट को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन वन मिनट, अब देखिए हावर में एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 सॉरी, अब वन हावर है ना, तो आप 60 मिनट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, हावर से किसकी तरफ आए, मिनट की तरफ, तो ये जो आंसर है इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, सेकंड में। तो आप लोगों ने यहाँ पे हिंट दे देनी है कि वन हावर
इक्वल्स टू 60 मिनट। ठीक है, तो ये हिंट था। अब नेक्स्ट, इसके बाद आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर लेना इसको। अब 131 मैं आपके सामने करता हूं, 131400 मल्टीप्लाई बाय 60, तो क्या है 7884000, 7884000। तो हम यहां पे लिखेंगे 7884000। ये आपके पास आ गया, आप इतने मिनट के, ये आपके पास क्या आ गया, मिनट। अब 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60। तो आप 60 सेकंड के साथ इसके साथ क्या कर ले, मल्टीप्लाई। तो यहां पे आप लोगों ने इनको सच डैट 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड। ठीक है, ये चीज आ गई। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड्स के साथ, कैसे करेंगे देखते हैं। अब जैसे मैं ये करता हूं कि 7884000 मल्टीप्लाई बाय 60, तो क्या आ रहा है 4730040। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, 4730400000, ये आपके पास आंसर है। ठीक है, तो ये आप इतने सेकंड्स के, 4730400000, ये आप इतने सेकंड्स के, तो ये आपके पास आ गया सेकंड, आप इतने सेकंड्स के हैं, ये आपकी एज है। अब देखें, आप छोटे भी हो सकते हैं, आप 13 इयर्स के भी हो सकते हैं, आप 10 इयर्स के भी हो सकते हैं। तो बस यहाँ पे आप लोगों ने 10 लिख देना, इधर 10 मल्टीप्लाई 365, तो आंसर चेंज आ जाएगा। कैलकुलेटर है ना, कैलकुलेटर यूज करना आना चाहिए आपको। ठीक है, फिर वो जो आपका आंसर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और वो घंटों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वो जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा, और वो मिनट के साथ, और मिनट का जो आंसर आएगा वो सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होकर आपका आंसर आ जाएगा। एक और ट्राई कर लेते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई मतलब के ये और था, कोई इवन टाइप करते हैं। सही है, फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ 60 एज का। ठीक है, अब 60 एज तो बहुत बड़ी है, बट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, अब जैसे हम लोगों ने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4 किया, अब इसी में भी हम लोगों ने 4 स्टेप को करना है। ठीक है, 60 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 365। ठीक है, अब 60 मल्टीप्लाई बाय 365 करते हैं, चले 60 मल्टीप्लाई बाय 365। अब 365 क्या है, ये आपका 1 साल है, तो ये जो आंसर आ रहा है ये मेरे पास आ रहा है 108600। ठीक है, ये चीज आ गया। अब आपका जो ये आंसर आया ना, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ डेज, ये तो डेज आ गया ना, डेज का आंसर आ गया। अब ये आ गया हॉवर्स के साथ, तो कितने, 24 के साथ, तो जो आंसर है इसको मल्टीप्लाई करें 24 के साथ, तो जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 2606400। ठीक है, अब इसके बाद ये जो आंसर है इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मिनट के साथ, किसके साथ करना है, मिनट। तो मिनट में कितने से, एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60, तो हम लोग इसी आंसर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 60 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 1563840000। ठीक है, ये चीज आ गई। नेक्स्ट आपके पास जो ये आंसर आया इसको मल्टीप्लाई करें सेकंड के साथ, 1563840 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 4000 मल्टीप्लाई बाय फिर सेकंड के साथ करेंगे, तो ये जो आंसर है इसको मल्टीप्लाई फिर सेकंड करें, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो है 9383040000। ये आपके पास आंसर आ गया किस चीज का, 60 एज का। तो ये थोड़ा सा इस वजह से लेंथी, क्योंकि एज बड़ी है, ये घबराना नहीं आपने कि वो आंसर छोटा आ रहा है ये बड़ा आ रहा है, ये बहुत बड़ा आ रहा है। देखिए, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 10 लाख, 10 लाख करोड़ एंड ये मतलब कि ये बिलियन में चला गया। ठीक है, सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोगों ने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अभी तक मेरे 200 वीडियोस कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन आज तक की वीडियो में मैंने ये नहीं कहा कि मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ये समझता था कि शायद जिन्हें जरूरत हो तो वो खुद ही सब्सक्राइब कर देते हैं, लेकिन आप लोग ऐसे हैं कि सब्सक्राइब किए बगैर ही चले जाते हैं, भूल जाते होंगे शायद, लेकिन अभी आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब करते रहना, नीचे आपको रेड नजर आ रहा है ना, उसको क्लिक कर दीजिए, बस बात खत्म। ठीक है, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो आई होप आज की वीडियो में आप लोगों को मजा आया होगा, अगर मजा नहीं आया तो फिर पैसे वापस अकाउंट में मेरे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये एक फन की बात थी। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी हुई। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मोहम्मद फैजान को दीजिए इजाजत, मोर ऐसी वीडियोज के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।